तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि चिंगमंग कहता है कि मुझे याद आ गया कि जीवन की गोलियां कहाँ मिलेंगी, और वो कहता है मुझे अभी वहाँ पे पहुँचना चाहिए। और वो बोलता है कि ऐसे समय में बुरी याददाश्त का होना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग उस तरफ को भाग के जाता है, और चिंगमंग उस पहाड़ी के नीचे पहुँच जाता है और उधर खड़े होकर वो बोलता है, वाव, तो ये इतनी बड़ी चट्टान है, यह बुरी तरह से डिस्कनेक्ट की गई चट्टान है, यह एक चट्टान है जो 5 महान पर्वतों में से सबसे खतरनाक और खड़ी मानी जाती है, और जिस जगह की मुझे तलाश है वह इस चट्टान के बीचों बीच है। और चिंगमंग कहता है कि मैं शायद पागल हो गया हूँ, या मैं पागल था। यह एक सीक्रेट जगह है जो सिर्फ और सिर्फ माउंट हुआ में मैं ही जानता था, और चट्टान के बीच में एक छोटी सी गुफा है जो केवल चट्टान पर चढ़कर ही मिल सकती है। यह चट्टान खतरनाक होने के कारण ट्रेनिंग के मैदान के रूप में उपयोग करने की सीमा से बाहर है, लेकिन इस चट्टान का धन्यवाद मैं शुयोंग से छिपने के लिए सबसे अच्छी जगह खोजने में सक्षम था। यह मेरे लिए एक बड़ी मदद रही है, और शुयोंग के नजरों में आए बिना यहाँ पे मैं शराब और मीट खा सकता था, और इतना ही नहीं आराम से दोपहर को झपकी ले सकता था। और मैं ये सोचता हूँ कि शायोंग ने मुझे अभी तक जीने क्यों दिया। वो तो ऐसे व्यक्ति को जो शराब और मीट खाते थे उनको जिंदा भी नहीं छोड़ते, पर वो अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और इम्पोर्टेंट ये है कि वो गुफा वहीं कहीं ऊपर है, और वहीं पे मुझको जीवन की गोलियां मिलेंगी जो मैंने अपने पिछले जीवन में यहाँ पर छुपाई थी। और चिंगमंग कहता है कि अगर मैं अपनी पिछली जिंदगी में होता तो मेरे लिए सिर्फ वहाँ तक पहुँचना 2 कूदों के बराबर थी, मैं 2 कूद में वहाँ पे पहुँच सकता था, पर अभी मेरे वर्तमान शरीर के साथ ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। तो चिंगमंग वहां से जाता है और कहता है, हालांकि मैं अगर ऊपर चढ़ने के बजाय नीचे उतरूं तो क्या होगा। और हमको दिखाया जाता है कि वहां पे रस्सी लेके उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है, और चिंगमंग सोचता है कि इसके बारे में एकमात्र समस्या यह है कि यह लगभग 10 गुना अधिक खतरनाक होगा। तो चिंगमंग नीचे देखता है और खुद को तैयार करता है और कहता है कि ओह ठीक है, फिर मेरे पास सिर्फ एक जिंदगी बची है। ठीक है, यह तकनीकी रूप से मेरा दूसरा जीवन है, लेकिन फिर भी मुझे कोशिश करनी है। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग एक पेड़ पर रस्सी बांध देता है और वो पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरने जा रहा होता है। और चिंगमंग सोचता है कि इस चट्टान की ऊंचाई केवल यही कारण नहीं था कि इसे शिष्यों की ट्रेनिंग से दूर रखा जाता था, बल्कि बुरी तरह से डिस्कनेक्ट की गई इस चट्टान का नाम इस तरह क्यों रखा गया। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, यह एक बहुत ही उबड़ खाबड़ और खड़ी चढ़ाई है। इस पहाड़ी में बहुत ही कम जगह है जहाँ पे हम हाथ पैर हिला सकते हैं या हाथ पैरों को रख सकते हैं, और दूसरे शब्दों में, और इतना कहते ही चिंगमंग का पैर फिसल जाता है और चिंगमंग नीचे की तरफ गिरने लगता है, और चिंगमंग को कुछ समझ में नहीं आता है, और चिंगमंग कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, और चिंगमंग दोबारा कहता है मैं सच में मरने जा रहा हूँ। और उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग ने जो रस्सी बांधी होती है उस रस्सी के कारण चिंगमंग बच जाता है और कहता है इस रस्सी ने मुझे बचा लिया, इसीलिए एक व्यक्ति को अच्छी तैयारी करनी चाहिए किसी भी प्लान को अंजाम देने के लिए। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग उस रस्सी की वजह से तेजी से चट्टान की तरफ बढ़ता है उससे टकराने के लिए, पर चिंगमंग अपनी एक टेक्निक का यूज करता है और कहता है इनर सक्शन टेक्निक, और इस टेक्निक की वजह से चिंगमंग खुद को उस चट्टान से टकराने से बचा लेता है, पर चिंगमंग के हाथ की हड्डी टूट जाती है और चिंगमंग कहता है कि ये नहीं हो सकता। और चिंगमंग कहता है कि मेरी हड्डियां इतनी आसानी से क्यों टूट रही है, जैसे वह टहनियां हैं, लालत है इस शरीर पे, इतना कमजोर कैसे हो गया। और चिंगमंग कहता है कि हालांकि मुझे दिख रहा है वह एंट्रेंस मेरे सामने है, मुझे लगता है कि अनुमानित दूरी के अनुसार मैंने जो रस्सी तैयार की है वह मुश्किल से ही एंट्रेंस तक पहुंच पाती। और चिंगमंग उस एंट्रेंस को देखता है और कहता है मुझे पहले उस तरफ की चट्टान को पकड़ना होगा, सबसे पहले मुझे इनर सक्शन टेक्निक का इस्तेमाल बंद करना होगा, और उसके बाद मुझे मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी। तो हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग अपनी उस टेक्निक को बंद करता है और उसके बाद चट्टान में लात मार के उधर को झूलते हुए जाता है और झूलते हुए आगे बढ़ता है। और चिंगमंग कहता है अभी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा, और इतना कहते कहते हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग जिस रस्सी से झूल रहा होता है वो रस्सी टूट जाती है और वो कहता है नहीं, अब तो मैं डेफिनेटली मरने वाला हूँ, ये हो क्या रहा है। तो चिंगमंग खुद को बचाने के लिए इनर सक्शन टेक्निक का यूज करता है और उस चट्टान को पकड़ लेता है, पर हमको दिखाया जाता है कि चिंगमंग की उंगलियां भी टूट चुकी है। और चिंगमंग कहता है कि ये क्या बकवास है, और ऐसा कह के चिंगमंग नीचे गिरने वाला होता है और नीचे गिर ही रहा होता है, और वो उस एंट्रेंस के दरवाजे के सामने गिरता है और उसके बाद फिसल के नीचे की तरफ जा रहा होता है, तो वो रस्सी एक चट्टान में फंस जाती है और चिंगमंग नीचे गिरने से बच जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि चिंगमंग वहाँ पे लटका हुआ है, फिर चिंगमंग ऊपर आता है उस चट्टान में और कहता है कि प्लम ब्लॉसम सॉर्ट टेंट,
तुम बास्टर्ड, तुमने क्या सोच के ऐसी जगह पे ऐसा ठिकाना बनाया? और कोई जगह नहीं मिली क्या तुमको? क्या मैं पूरी ट्रेनिंग के दौरान पागल हो गया था जो मैंने ऐसी जगह पे अपना हाइड आउट बनाया? तो चिंगमुंग कहता है, अरे यार मैं ही तो था, मैंने ही तो बनाया था, अब क्या गुस्सा करूँ खुद पे। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग उस हाइड आउट के दरवाजे पे खड़ा होता है और अंदर की तरफ देखता है और सोचता है कि चलो मैं किसी तरह इसे प्राप्त करने में सफल तो हुआ, हालांकि मैं लगभग मरने ही वाला था। तो हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग ने सामने काफी सारा सामान कपड़े से ढका होता है, तो चिंगमुंग वहां जाता है और जाके उस कपड़े को हटाता है। और हमको दिखाया जाता है कि वहां पे कुछ सामान है, एक बिस्तर है, एक बॉक्स है और एक चमकता हुआ गोला है। तो चिंगमुंग कहता है, क्या वह यहाँ पे एक नाइट लाइट क्रिस्टल भी लाया था? इस जगह को बनाने के दौरान उन्होंने वास्तव में चीजों के बारे में नहीं सोचा। तो चिंगमुंग कहता है कि वो यहाँ पे इस लाइट क्रिस्टल को लेके आया था। अरे वो तो मैं ही था, मैं भूलता रहता हूँ क्या आजकल? तो चिंगमुंग उस बॉक्स की तरफ बढ़ता है और उस बॉक्स को खोलता है और हमको दिखाया जाता है उस बॉक्स में एक और बॉक्स है और साथ में एक दो मिट्टी के बॉटल भी रखे होते हैं। और चिंगमुंग कहता है, ये हुई ना बात। और चिंगमुंग उस डब्बे में से एक और डब्बे को निकालता है और कहता है, प्लम ब्लॉसम की गोलियां जो मैंने यहां छुपाई थी वो यहां इसमें होनी चाहिए, वे मेरे शरीर को पुनः प्राप्त करने में बहुत बड़ी सहायता करेंगे। और उसके बाद चिंगमुंग उस डब्बे को खोलता है और उसके बाद चिंगमुंग हैरान हो जाता है और वहां पे बहुत बड़ी रोशनी चमकती है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।